हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्नव एजुकेशन पॉइंट में। मैं आपका दोस्त संजीव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लैनेट्स यानी ग्रहों के बारे में। हम इसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। पहले आपको एक कॉमन बात बता देता हूँ कि वीनस और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं, परिभ्रमण करते हैं सूर्य के चारों ओर। लेकिन जो वीनस और यूरेनस है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी यानी बुध के बारे में। बुध तथा शुक्र को अंतर ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। इसके अलावा बुध का कोई उपग्रह नहीं है और यहाँ पर वायुमंडल का भी अभाव है। इसके अलावा बुध का तापांतर जो है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है वीनस, जिसको हिंदी में शुक्र कहते हैं। इसके अलावा इसको भोर का तारा कहा जाता है, इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। जो शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे पास में स्थित ग्रह है। इसके अलावा इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो शुक्र है उसका कोई उपग्रह भी नहीं है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है जिसके कारण यहाँ पर का जो वायुमंडल है उसमें प्रेशर कुकर के समान दशा पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थ, और ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा ये शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है और यहाँ जो ये पृथ्वी है ये सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि जीवन मौजूद है। नेक्स्ट है मार्स, जिसका हिंदी में नाम होता है मंगल। इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा इसके दो उपग्रह मौजूद हैं। इसकी घूर्णन गति होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान होती है। इसके अलावा निक्स ओलंपिया यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी जो ऊंचाई है वो धरती पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट है जुपिटर, इसका हिंदी में नाम होता है बृहस्पति। इसको लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा ये हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खुद की रेडियो ऊर्जा है, इस वजह से इसके अंदर ग्रह के गुण भी हैं और तारे के गुण भी हैं, यानी ग्रह और तारे दोनों के गुण हैं। इसके अलावा बृहस्पति के 60 से अधिक उपग्रह ज्ञात हैं, जिनमें कि जो गैनीमिड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है शनि, जिसे इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। ये आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि पहला सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 होती है। इसके अलावा शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है और इसके लगभग 60 ग्रह ज्ञात हैं, 60 से अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है यूरेनस, जिसको हिंदी में अरुण कहा जाता है। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव जो होता है वो अधिक होता है। इसके अलावा जो अरुण है इसकी सूर्य से दूरी बहुत अधिक है जिसके कारण ये ठंडा होता है, ठंडा ग्रह भी कहते हैं इसको। इसके चारों ओर वलय भी पाए जाते हैं जिसकी संख्या 5 होती है। दोस्तों ये मेरा वीडियो है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।